Hey guys, so welcome back to my channel. So today I'm back with a video of Ashish Chanchlani, and this video is Bijli Ka Bill. Okay, sorry, every Indian dad on Bijli Ka Bill. All right, so ये अभी का तो video है नहीं, definitely ये पुराना video है and मैंने नहीं देख रखा है. So I'm going to react on this video क्योंकि मेरे पास में request आई थी कि ये जितने भी आपके favorite YouTubers हैं तो उनके पुराने videos देखने हैं. आशीष चंचलानी का भी आया था. So now I'm going to react on this video. So let's start. पापा, क्या हुआ? मैंने आपसे कुछ बातें छुपाई है जो आज मुझे बाहर निकालने का बहुत मन कर रहा है. बताओ. जो गाड़ी ठुक गई थी ना, वो किसी बाइक वाले ने नहीं ठोकी थी, वो मैंने ही ठोकी थी पापा. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. 2 हफ्ते पहले गोडाउन में आग लग गई थी, वो भी मेरी ही गलती थी. मैं माचिस से मस्ती कर रहा था. कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं. जाओ. आज आपने मुझे जो 10,000 रुपये दिए थे बैंक में डिपॉजिट करने को, वो भी मुझसे गुम हो गए. ठीक है बेटा, गलती इंसान से ही होती है. जानता हो तुम इंसान नहीं जानवर हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, माफ किया. और हाँ पापा, हाँ एक और चीज है, लेकिन ये सबसे कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं है. बताओ. मैं बताऊंगा भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो रहने दो. नहीं नहीं बताओ बताओ, जो भी ये बातें निकाल दो, आज बाहर निकाल दो. अरे पापा, 2 दिन पहले जब मैं अपने फ्रेंड्स के इधर जा रहा था, तब जो ये हॉल की ट्यूबलाइट है ना, इसे मैं बंद करना भूल गया, तो बस सारी रात चालू थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं. हरामखोर, तेरी माँ का बाप तो इरफान खान था ना, जो मेरे को दहेज में मुफ्त में सिस्का एलईडी देके गया लगाने के लिए. भूल गया मैं पापा, मैं. नहीं नहीं, तुम्हारा ध्यान तो स्नैपचैट में होगा ना, लॉन्डियों को चैटने में. तुम्हारा बाप तो मुफ्त में बिजली लाता है इस घर में. हाँ, इन खंभों पे चढ़ चढ़ के, तारे तोड़ तोड़ के, चोरी करके तो बिजली लाया हूं मैं इधर. नहीं नहीं, तुम्हारे बाप के छाती पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो बाहर जाता है रोशनी चूसता है, इस घर में बिजली लाता है. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. वाह भाई वाह, इतनी लाइटें जलाई है, बाप को भी जला दे. हाँ, मेरे भी बटन ऑन कर दे. बेटा, न्यूटन ने बोला था बिजली बचाओ. क्या बोला था? बिजली बचाओ. ये कब बोला न्यूटन ने? हाँ. मैंने तो किधर नहीं पढ़ा है न्यूटन को बोलते हुए. अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था. हाँ भाई हाँ, पता है, जब आप मेरी उम्र के थे, न्यूटन और आप केंद्रीय विद्यालय में जाते थे, वर्ल्ड वॉर 2 चालू होगा तभी है ना, तभी उसने बताया होगा आपको एप्पल खाते खाते, बिजली का बिल बचाओ, बिजली का बिल बचाओ. न्यूटन ने मेरे को एक और बात बोली थी बेटा. क्या? क्या? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. लाइट नहीं आ रही. ये साला फैन को क्या हो गया? ये फैन का कनेक्शन मैंने कट करवा दिया. क्यों पापा? क्यों? मैं सोच रहा था जब तू इस फजीती स्पिनर को अपनी उंगली से घुमा सकता है, तो इस फैन में भी हाथ डाल के घुमा ना. इस फैन पे क्यों खर्चा करूं मैं? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. 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 सर, कंपनी ने भेजा सर्विसिंग के लिए. थैंक गॉड आप आ गए. ये एसी खराब हो गया है. क्यों? अरे जब भी मैं ये एसी ऑन करता हूँ उसमें से आवाज आती है. आवाज? हाँ, अजीब सी आवाज. जब भी एसी ऑन करो उसमें से आवाज आती है. सुनो, ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको ऑन करूंगा. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. सुना? सुना सुना? नहीं सुना तो मैं वापस सुनाता हूँ. अभी ऑफ किया, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. मैं परेशान हो गया हूँ आवाज से. जब से एसी लिया है मेरे को आवाज ने परेशान करके रखा है. प्लीज इसको रिपेयर करके दो प्लीज. सर, ये प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं होती. क्या बात कर रहे हो? इसका इलाज ही नहीं है सर. फिर? सर, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है. क्या बात कर रहे हो? पापा हो गया मैं. सामने वाला हिल जाता था. अंकल वो. अरे अंकल क्यों? हम में तो 1-2 साल का फर्क है बेटा. I'm very young. मुझे अपना फ्रेंड समझो. कुछ लोग ही बेटा. कुछ नहीं अंकल, बस गर्मी बहुत हो रही है. गर्मी हो रही है आपको? आशु बेटा, ओ आशु बेटा,
जी पापा। सिमरन को गर्मी हो रही है इसलिए हॉल के दोनों एसी चालू कर दो, सारे पंखे चालू कर दो, और हाँ रूम के भी सारे एसी और पंखे चालू कर दो, रूम के दरवाजे भी खुले रख दो, क्या है हॉल ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया? चप्पल किसने मारा? तूने मारा चप्पल? मैंने नहीं मारा। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सीरियसली बिजली के ऊपर बहुत ही सही वीडियो बनाया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली को वेस्ट करते हैं और उसके बाद में बहुत तगड़ा बिल बनकर आता है बाहर। सो सीरियसली वीडियो सच में बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं हम इसको। रियली लाइक दिस वीडियो सीरियसली मैन। सबसे इंटरेस्टिंग तो वो था कि वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चलाता उस टाइम उसके डैड की आवाज़ आती, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और जो वो बेचारा एसी वाला आया था, सीरियसली मतलब उस लास्ट में वो भी रोने लग गया था कि मेरे घर की भी यही कहानी। सच में ऐसा होने लग जाए ना तब तो दुश्वार हो जाए कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ यूज़ करने से पहले। लास्ट में वो लड़की के सामने स्टाइल मारने के लिए बोलते कि सब कुछ चला दो सब कुछ, और एट दी एंड उसको चप्पल पड़ती है उसी के पापा से। मतलब वो सारी चीज़ें अपने बच्चे के साथ में करता हुआ था, अब उसके डैड उसके साथ में करेंगे। मतलब एक मैसेज भी दिया है इस वीडियो के थ्रू कि बिजली को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और स्टार्टिंग के अंदर तो मतलब उसने इतनी बड़े बड़े लॉस बताते, 10,000 मैंने खो दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ठीक है सब कुछ, बट बिजली की बात आई तो वहाँ पे उसको उसकी क्लास लेनी तगड़ी वाली। सो आई रियली लाइक दिस वीडियो एंड आप भी बिजली वेस्ट करते हो? Okay, I'm just kidding, but waste नहीं करना चाहिए। So yeah, I really like this video। आशीष चंचलानी के water से related, electricity से related, मतलब हर एक ऐसी चीज़ जो सच में हमारी life के अंदर important, ऐसे वो हर एक video बनाते हैं, मतलब हर एक topic को वो उठाते हैं और उसके ऊपर जो amazing content आता है उनका, so crazy, मतलब वो सच में वो बहुत crazy होता है। मतलब उसके अंदर जो comedy का जो तड़का लगता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे में। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट माय रिव्यू टू, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।